मम्मी है और वो चुन रही है करेला तोड़ रही बच्चा। कितना सारा खरीदना है, कुछ नहीं पड़ता है, सब खेती से ही हो। नहीं टूट रहा है इसमें, बारह बारह नहीं हुआ। बिया के लिए है क्या यहाँ पे? खादर आपको दिख रहा, टूट चुका है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि तरफ चल दिए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज जो मेरा घर है बथानी, समझिए बथानी के पीछे हम लोग खेती करते हैं। जो भी सब्जी साग सब्जी होता है उसको बोते हैं और मार्केट से हम लोग कुछ खरीदना नहीं पड़ता, जो भी है हम लोग उसी से जैसे जो भी होता है हरा सब्जी वो पूर्ति हो जाता है। तो चलिए आज वही तुरेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए मौसम बहुत कितना अच्छा किया है, मौसम पूरा घाटा घिरा है और हवा चल रहा है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं वहाँ का सीन, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो प्लीज़ हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहीं पे पूरा हरा सब्जी लगा है और यहीं से हम लोगों का जो घर का जो साग सब्जी जो होता है वो यहाँ से पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है मार्केट से। तो चलिए जो फरा है उसको तोड़ते हैं और वही आज सब्जी बनेगा उसी का। मम्मी है और वो चुन रही है करेला तोड़ रही है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। चलिए खेत में आ चुके हैं, खेत क्या घर के पीछे ही सब होता है खेती, आप लोग को दिख रहा है पूरा। देखिए मक्का का भी पेड़ लगाया गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं मक्का तोड़ रही है। देखिए लेके आ रही है छोटी बबी, इसी में तोड़ेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे इसको इसमें डाल दिए। माँ चुन रही है, देख रही है कहाँ पे है, कैसे जो करेला होता है ना, करेला देखिए कैसे होता है, इसमें पता ही नहीं चलता है। इसका सब्जी भी हरा हरा होता है और पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कैसे छुपा है। माँ ढूंढ के निकाल रही है, देखिए को मिर्चा, देखिए मिर्चा कितना सारा फड़ा है। देखिए बहुत दिन से फर रहा था लेकिन अब छोटा छोटा निकल रहा है, पता नहीं क्यों। दिखाते हैं यहाँ पे नेनुआ का पेड़ भी लगाया गया और मक्का लगाया गया है और मिर्चा का बहुत सारा पेड़ लगाया गया है, आप दिख रहे हैं। और यहाँ पे और आपको दिखाते हैं भिंडी का, देखिए भिंडी का है, याद नहीं आ रहा था नाम। देखिए यहाँ पे भिंडी से फरा है, तो भिंडी का ही पेड़ आपको दिखाते हैं इस साइड। देखिए यहाँ पे भिंडी का पेड़ और भिंडी फरा देख लीजिए यहाँ पे। तो खरीदना कुछ नहीं पड़ता है, सब खेती से ही हो जाता है। आपको दिखाते हैं बड़ा सा नेनू, देखिए यहाँ पे दिख रहा है जो है, इसको सब तोड़ेंगे और इसको बनाया जाएगा। मेरी छोटी बहन है नेनू, नेनुआ नहीं कि भिंडी तोड़ तोड़ के रख रही है। तोड़ो ठीक से, तोड़ो ठीक से, तोड़ो देखो तुम तो पेड़ तोड़ देगी, ठीक से तोड़ो, नहीं टूट रहा है, इसको पकड़ो तोड़ते हैं, इसको पकड़ो। ना ना हाथ में हिलेगा इसका, जो ये बहुत बजर होता है हल्दी टूटता नहीं है। तो फाइनली तोड़ लिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फरा है, तो इसको हम तोड़ते हैं और इसी का सब्जी बनेगा। तो आपको फाइनली टोटल जो भी चीज़ तोड़ के दिखाते हैं। देखिए आपको नेनुआ दिखाते हैं, मम्मी तोड़ रही है नेनुआ, देखिए नेनुआ कितना सारा निकला है, देखिए सब इतना बड़ा बड़ा नेनुआ। तो यही बनेगा और ये लमसम निकल जाता है, एक दो दिन बीज करके बहुत सारा सब्जी निकल जाता है और कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता है। और आपको पता है कि हरा सब्जी कितना महंगा हो चुका है और हम लोग पीछे जो भी सीजन आता है वो हर चीज़ बो देते हैं और पर्याप्त मात्रा में हो जाता है जिससे कुछ खरीदना ना पड़े। देखें यहाँ पे कितना सारा भी तोड़ चुके हैं लोग नेनुआ, तीन ठो यहाँ पे, माँ इधर है एक, देखो ना यहाँ बड़ा बिया के लिए है का, माँ यहाँ पे बिया के, बिया के लिए वो छोड़ा गया है। देखिए अब इसको तोड़ते हैं, फाइनली सब तोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे अब कितना। देखिए बहुत सारा सब पेड़ लगाया गया है, कितना सारा अभी तोड़ रहे हैं, भिंडी को तोड़ रहे हैं, तो हरा सब्जी ज़्यादा निकल गया है, पता ना एक या दो दिन पे टूट रहे हैं। देखिए इतना सारा अभी निकला है और अभी बहुत सारा है, आपको दिखाते चलो, अभी बहुत सारा है। अभी भिंडी दो दिन पे टूटता है फिर भी भिंडी हो जाता है, बहुत सारा सब्जी टूट रहा है और मम्मी और एक मेरी बहन है वही तोड़ रही है। मैंने तोड़ने में आदत नहीं है
हम नहीं तोड़ते हैं, माँ ही तोड़ के लाती है। तो आप लोग को सोचे कि आप लोग को दिखा दे कि हम लोग कोई चीज़ मार्केट से नहीं खरीदते। देखिए मार्केट में आप जाएंगे कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो ठीक नहीं रहता है, कौन सा पानी में आपको धो के ला देगा, क्या केमिकल मिला के बेचता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपना जो होता है ना एकदम फ्रेश चीज़ होता है जिस पे 100% आप विश्वास करते। देखिए जो भी हम लोग को ये बोलता है इसमें खाद कुछ नहीं डलता। देखिए यहाँ पे खादर आपको दिख रहा होगा गोबर, जिसको मतलब जैविक पदार्थ है, तो इसी को इसमें डालते हैं और उसी से हो जाता है। हम लोग को जो खाद उद होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होता है, यह चीज़ उसमें उठा के इसमें डाल देते हैं ना, और अच्छा खासा फसल रेडी हो जाता है। और एक दिन बीच करके डेली सब्जी टूटता है। और आप लोग को क्या बताएं कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी अगर कुछ भी अगर ज़मीन बचा आप लोग के आइट साइड कोई भी अपना हो या घर के आसपास, तो ज़रूर सब्जी का पेड़ लगाएं, मार्केट से दूरी बनाए रखें, कम खरीदें। और खुद से ही जो भी हो, भिंडी का हो गया, नेनुआ का हो गया, करेला का हो गया, जो भी चीज़ का सीज़न चल रहा है उसका पेड़ जो भी है पौधा लगाएं और उसी से कुछ उगाएं और खाएं, मार्केट से सर्वाइव ना करें ज़्यादा। दिख रहा है वहाँ पे जस्ट एक पलानी है, देखिए यहाँ पे पलानी है, उसमें भैंस रहती है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है फिलहाल। और उसके पीछे सब्जी देख ही रहे हैं आप कितना सारा है जी, टूट चुका है अभी और भी है, देखिए कितना टूटता है, बहुत सारा है अभी। देखते हैं यहाँ पे क्या लगाए हैं। देखिए जस्ट ये पलानी है रखा, इसमें भैंस रहती है और कुछ सामान रहता है उसके खाने पीने के लिए। तो चलिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। देखिए सामने वाला है, यहाँ पे एक रोड जाता है जो सिल्हौड़ी मंदिर की तरफ जाता है। और देखिए ये पलानी है, इसी में भैंस रहती है अंदर। और आप देखेंगे इसी को रखे हैं लोग। चलिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए हाँ उधर का बोया गया है रिया, वहाँ पे पीछे देखिए कुनरी भी बोया गया, आपको कुनरी दिखाते हैं और उसके बाद कुछ और भी दिखाते हैं आप लोगों को। का पेड़ भी लगाया गया जो साइड में है, रोड के साइड में। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, देखिए अमरूद भी फरा है, आपको दिख रहा होगा अमरूद भी फरा है बहुत सारा। और यहाँ पे कुनरी जो कुनरी का है उसका पेड़ लगाया गया, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फरा है। और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए केला आपको दिखाते हैं केला कैसा फरा है आपको दिखाते हैं। इधर से देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे फरा है, देखिए आप दिखाते हैं आपको अच्छा से, देखिए दिख रहा है तो केला फरा। और एक अभी जस्ट फूटा है, आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है टूटा है, क्योंकि फैमिली छोटा है तो ज़्यादा तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया गया है पेड़ में। और ये जितना खाने लायक है, जितना हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं उतना ही लिया गया है। देखिए यहाँ पे नेनुआ 3 हो गया है, कुछ करेले हो गए हैं, कुछ भिंडी हो गए हैं, तो पर्याप्त है, छोटा फैमिली है इतना पर्याप्त है हम लोग के लिए। तो चलिए इसे अब घर ले जाएंगे, गया और ले जा रहे हैं घर पे, और घर पे इसका सब्जी बनेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी जितना भी जगह हो, जितना भी स्पेस हो, उसमें कुछ ना कुछ होए और उससे ही कुछ होगा, मार्केट से उतना चीज़ ना खरीदें जितना हो सके। चलिए इसको ले जाते हैं घर पे, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, घर की तरफ चल दिए हैं। यहाँ पे देखिए पैदल एक पैरिया रास्ता है तो वहीं से जाते हैं, वो सामने जो दिख रहा है ना 2 वही घर है, वहीं पे इसको ले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे धान भी रोपे हैं और बिया भी है, कुछ खेते रोपना है लेकिन उसमें अभी पानी लगा है। देखिए जस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, मेरी बबी ठहरी है, वहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे ठहरी है, तो इसको ले जाते हैं। और यहाँ पे बरसात इतना हो जा रहा है, देखिए अभी पानी लगा ही है, एक पैरिया रास्ता, लेकिन जाने में बहुत दिक्कत होता है जब पानी बरसात हो जाता है। देखिए कितना कीचकच है, हम लोग यहाँ पे सूखता है तभी रास्ता अच्छा बनता है। जैसे देखिए फाइनली घर आ गए और इसको देंगे, उधर ले जा दिया ना, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। चलिए जो सब्जी था वो रिया को दे दिए घर पे बनवाने के लिए, और मैं अभी फिलहाल रूम में हूँ और लाइन कटा हुआ है और हवा बहुत तेजी से चल रहा है, मौसम भी खराब है
पिछले डेढ़ या दो मंथ से लगातार बारिश हो रही है और खेतों में अभी तक पानी लगा है। किसानों को इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई बिया दिया है तो बिया रोपा है और कोई नहीं। लमसम आपको 100% में 40% ही 100% में 40% ही व्यक्ति ने खेती किया है और 60% लोगों ने खेती नहीं किया, क्योंकि पानी की वजह से बाढ़ आने का शंका था। सरकार से निर्देश भी जारी किया गया था कि बाढ़ आने वाला है तो कृपया आप लोग फसल ना बोए, लेकिन जिनका यही रोजी रोटी है उन्होंने अपना जो भी है बिया दिया और धान का खेती किया है। तो देखिए क्या होता है, वो फसल होता है कि बर्बाद होगा। अब देखिए मौसम ठीक करता है तो फसल हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को अलग अलग टाइप के वीडियो लाते हैं, लेकिन आप लोग व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और एक छोटा भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।